तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। एक बात मैं बता दूँ कि जो लेटेस्ट ऑर्डर है इस कंपनी का, उसके बारे में बात करेंगे, साथ में टोटल ऑर्डर बुक के बारे में बात करेंगे और साथ में थोड़ा बहुत इसका फंडामेंटल भी देखेंगे। ध्यान रहे, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप जाके डिटेल एनालिसिस के लिए मेरी पिछली वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, एक बात और, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी है, जिससे कि आप किसी भी स्टॉक में ट्रैप ना हो। ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने नॉलेज के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैन इंडस्ट्रीज के बारे में 8 जुलाई को एक अपडेट आया था कि कंपनी को 1850 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है। किस लिए? एपीआई लाइन पाइप ऑर्डर फॉर ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्स 1850 करोड़, जो कि एपीआई लाइन पाइप के लिए है। तो दोस्तों, एक बात और, कंपनी के पास कुल कितना ऑर्डर बुक है इस बात पे आपको फोकस करना है। तो आप देखेंगे कि टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर एज ऑफ टुडे स्टैंड एट अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़। दोस्तों, इसका मार्केट कैप कितना है इस पर बात करेंगे। दोस्तों, 1850 करोड़ अब तक का मिला इस कंपनी को सबसे बड़ा ऑर्डर है, इस बात पे फोकस करना है। जब मैंने वीडियो बनाया था तो इस कंपनी ने एक ऐसा पाइप बनाया था जो हाइड्रोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकती थी, उसके रिगार्डिंग भी मैंने बताया था कि इस कंपनी में बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है। और आप देखेंगे कि जो 1850 करोड़ का ऑर्डर बुक है उसको 12 से 18 महीने में एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत और जानकारी इस कंपनी के बारे में। मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऑर्डर किस लिए है। तो आपको, जैसा कि मैंने बता दिया, कि सप्लाई ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आगे कुछ इसके बारे में। आप देखेंगे कि मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का जो मार्केट कैप है कितने का है। तो मार्केट कैप आप देखेंगे 3148 करोड़ का है। टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर कितना है कंपनी के पास? 4000 करोड़ का है। तो इस बात पे आपको फोकस करना है, मार्केट कैप से ज़्यादा ऑर्डर बुक है तो जाहिर सी बात है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। एक बात और, इसका जो प्राइस है अभी 486 का है और अभी फ़िलहाल में इसी प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, P30 का है इंडस्ट्री का, P28 का है और पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक प्रीमियम हो चुका है। लेकिन फेस वैल्यू इसकी 5 है, यानी जो स्टॉक है कभी भी एक के बदले 5 शेयर दे सकता है। प्लेजिंग परसेंटेज 27 है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको कोई भी स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खरीदें, तो आपको सबसे ज़रूरी यह है कि क्यों खरीदें, इस पर फोकस करना है। तो क्यों खरीदें में एक बात और भी आ जाती है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितना है, या फिर कंपनी को ऑर्डर मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बात आपको समझा देगा कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड भी आपको देखना होता है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर मिला 1800 करोड़ का और इसको 5 साल में एग्जीक्यूट करना है। तो आप समझिए कि उसको हम 5 भाग में डिवाइड कर लें कि हर साल इस तरह से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही, हो सकता है पे हम जो है कि दाव लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट जैसा कि मैंने दिखाया था सब कुछ अच्छा है इस कंपनी का, कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्जिन थोड़ा सा कम है, 10% इसको होना चाहिए था, 7% दिखाई दे रहा है। ईयरली तौर पे भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम बात कर लें, लेकिन एक बात और है, जो बॉटम लाइन है वो अब ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे आप देखना कि 101 करोड़ से 102 करोड़, फिर 68 करोड़, यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और है, आपको इंटरेस्ट वगैरह पे भी फोकस करना पड़ेगा कि कंपनी में इंटरेस्ट कितना जा रहा है, अदर इनकम कितनी है, डिप्रिसिएशन कितना है, इस बात पे भी आपको फोकस करना है। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। लेकिन एक बात और है कि ये जो कंपनी है भविष्य में बहुत ही बेहतर करने वाली साबित हो सकती है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग भी बढ़ा है हल्का सा, और आप देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट 489 से 605 करोड़ हो गया है। कंपनी लगातार CWIP कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। कॉन कॉल को भी देखने की कोशिश करेंगे, अगर हमें मिला तो। आप देखेंगे कि 46% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, और FII के पास 1.64 और DII के पास 3.31% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 48% की होल्डिंग है। एक बात और, इसमें कई जो है कि
HNI निवेशक भी शामिल हैं, इस बात को भी आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और अब हम चलते हैं कि कंपनी के पास जो प्लेजिंग परसेंटेज है 27% की, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, इस पर आप फोकस करना। और प्लेज कंपनी कब करती है, जब उनको पैसा जुटाना होता है, कंपनी में लगाना होता है, तो वो चीज़ें हमें CWIP में दिख रही है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कर्ज लेना गलत बात नहीं है, अगर कंपनी अपने अच्छे कामों में लगा रही है और हमें दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, तो आपको घबराना नहीं है। दोस्तों एक बात और है कि इस कंपनी के पास जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि कंपनी के पास 2100 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 6 to 8 मंथ में इसको एग्जीक्यूट करना है। साथ में कंपनी एडिशनल ऑर्डर जो है कि 505 करोड़ का सिक्योर की थी, जिसको कि 6 मंथ में एग्जीक्यूट करना है। और अभी आप देखेंगे कि 1850 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है, कुल मिला जुलाकर 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और आप कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन पे ध्यान दीजिए, देखिए कि एक्सपेक्टिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फॉर कमिंग क्वार्टर। कंपनी का आशा है कि कंपनी का दावा है कि आने वाले समय में मुझे अच्छा ऑर्डर बुक मिलेगा। साथ में कंपनी कॉन्फिडेंट है रेवेन्यू 3500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने के लिए, 3500 टू 4000 करोड़ का रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में अचीव करने के बारे में ये सोच रहे हैं। अभी कितना कंपनी का रेवेन्यू है इसको आप कमेंट में लिख सकते हो। और आप देखेंगे कि इविट्टा अराउंड 10% या और इसको जो है कि 25 to 26 और अपवर्ड यानी 26 और 27 तक यानी 2026-27 तक 13% करने की उम्मीद है। और इविट्टा डी ए 14% से 15% ओवर नेक्स्ट 3 ईयर में करने की उम्मीद है। और देखेंगे कि एंटीसिपेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज 1.1 मिलियन टन करना चाहते हैं 2026 से 2027 के बीच में। दोस्तों कंपनी का कैपेक्स प्लान भी है, आप देखेंगे कि कैपेक्स कंपनी कर रही है अराउंड 900-900 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में इनका प्लान एक्सपेंशन करने वाली है कंपनी। साथ में कंपनी न्यू कैपेसिटी जो है कि जोड़ेगी, इंक्रीज करेगी 400,000 टन इन सऊदी एंड 25,000 टन स्टेनलेस स्टील इन जम्मू। कंपनी जो है कि 0.5 मिलियन टन वॉल्यूम जनरेट करना चाहती है FY25 तक। जो ऑपरेशन इनसाइट है उसको भी आप देख पाओगे कि यूटिलाइजेशन कितना हो पा रहा है 45 to 50%। और उसी के साथ कंपनी ERW सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% रेवेन्यू। जो ERW सेगमेंट है उससे 15 से 20% का रेवेन्यू एक्सपेक्ट जो है कि अप्रॉक्सीमेटली जनरेट हो पा रहा है। आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड है, जनरेट नहीं हो पा रहा है, एक्सपेक्टेड है। और आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंक्वायरी आर स्ट्रांग, स्पेशली बुलिश इन एक्सपोर्ट मार्केट। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्डर मेंटेन बिटवीन 6 to 9 मंथ ड्यू टू रॉ मटेरियल एंड शिपिंग कंसिडरेशन। दोस्तों एक बात और है कि स्टेनलेस स्टील का जो प्राइस है अगर वो बढ़ता है तो इससे इस कंपनी पे प्रभाव पड़ सकता है, इस बात पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और डेट की बात कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग फिलहाल में कितना है 136 करोड़। डेट लेवल एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर विथ द कंप्लीशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। इनका कहना है कि डेट लेवल इंक्रीज हो सकता है फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और मार्जिन एक्सपेक्टेड टू ग्लोबली इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15% ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। आप देखेंगे कि कंपनी का जो मार्जिन अभी एक्सटेंड कर रहा है 7 to 8%, इनको ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे 15% तक, ये कह रहे हैं आने वाले सालों में। इंडस्ट्री का चैलेंजेज क्या है, आप देखेंगे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 45 to 50% हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डर बुक के बारे में ये कह रहे हैं कि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी लिमिटेड टू 6 to 9 मंथ ड्यू टू रॉ मटेरियल एंड शिपिंग कंस्ट्रक्शन। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इफेक्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, आप देख सकते हैं कि कंपनी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर ग्रोथ एंड रेवेन्यू प्रोजेक्शन, फोकस ऑन एक्सपेंडिंग कैपेसिटी एंड
इम्प्रूविंग मार्जिन इन कमिंग ईयर। तो दोस्तों एक कंपनी एकदम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मार्जिन को इम्प्रूव करें, हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं। रेवेन्यू ये 4,000 करोड़ तक करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी 3142 करोड़ का है, ये 3500 से 4000 करोड़ के बीच में आ जाएगा मार्च 25 तक। इस बात पर आपको फोकस करना है। दोस्तों ये रहा मैन इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी फिलहाल में कंपनी के पास नया ऑर्डर आया है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको 1850 करोड़, और कुल ऑर्डर ये जो है कि नया ऑर्डर है जो कि 8 तारीख को मिला है, और साथ में कुल ऑर्डर बुक अनएग्जीक्यूटेड 4000 करोड़ का है। आप यहाँ पे फोकस कर पाओगे। और तो दोस्तों ये रहा वीडियो मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। आपको अगर किसी स्टॉक में निवेश करना है तो आप उसको चैलेंजेस को जरूर पढ़ना। पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक महंगा है, और साथ में प्लेज परसेंटेज भी है, इस बात पे भी आपको फोकस करना है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्या आप किसी इंडस्ट्रीज में अगर निवेश करना चाहते हैं किसी स्टॉक को, तो जिस इंडस्ट्रीज में कंपनी काम कर रही है क्या आप उस इंडस्ट्रीज को समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो समझने की कोशिश करिए पहले कि कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है उस इंडस्ट्रीज में, क्या वह स्टॉक भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है, तभी आप निवेश करें। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।